हाय गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइज, बात करने जा रहे हैं 29 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट के बारे में, जैसा कि 8 मई रेवन्यू न्यूज के साथ में। तो जैसे सुबह सुनने में आ रहा था कि कैबिनेट फाइल दायर होने वाली है सरकार की तरफ से, बट सरकार की तरफ से ना हो गए, राघवेंद्र सिंह बनाम सिबिन प्रताप की टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट फाइल दायर कर दी है। कैबिनेट फाइल का मतलब समझ लीजिए कि आप के 60-65 डबल बेंच का जो फैसला आया है 60-65 के पक्ष में, उसको बचाने के लिए कैबिनेट फाइल दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। और न्यूज़ समाचार माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि तो और दूसरा प्रश्न ये उठता रहता है रिवाइज्ड आंसर की कब आ रही है और रिजल्ट कब आएगा। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा टॉपिक गर्मा गर्मी में थे, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि BTC अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैबिनेट, तो मतलब कैबिनेट फाइल कर दी है सुरेंद्र प्रताप सिंह की जो टीम थी उन्होंने और 60-65 के समर्थकों ने, और काफ़ी प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद में फाइनली उनका हो गया था कि सब चीज़ें सकारात्मक होना शुरू हो तो थोड़ी देर सब्र कर लेना उचित है। राघवेंद्र प्रताप सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह व अन्य ग्रुप द्वारा SPLA 156/2019 जजमेंट के क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर दी गई है। आंसर की और रिजल्ट जारी होने का कार्य PNP का है, जिस पर अफवाहों की स्थिति का कोई औचित्य नहीं है। कुछ समय का इंतजार करना उचित है बजाय इसके कि आगे कोई विवाद उत्पन्न हो। डॉक्यूमेंट संबंधी दिक्कतों को लेकर फिलहाल विवर्तित ना हो, परेशान ना हो। भर्ती में आधे से अधिक लोगों की कुछ ना कुछ इस संदर्भ में समस्या है, जिसका संज्ञान भविष्य में शासन अपने अनुसार लेकर किसी भी दिशा निर्देश को लेकर जारी करेगा। और 90-97 की तरफ से ये अपडेट आई है कि जो कैविएट फाइल थी वो दायर कर दी गई है। अब देखो शिक्षा मित्र की तरफ से क्या होता है, अभी तक उनका कोई भी सकारात्मक पहलू नहीं निकल के आया है, और जैसे भी कोई आएगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित कर देंगे। और बात करता हूँ मैं रिजल्ट की और आंसर की तो अभी हाल फिलहाल में कि जो PNP से मीटिंग जो सभी अधिकारी आए थे, सभी मीटिंग में भाग लिया है और उसके बाद में पूरी मीटिंग गठित हो गई है। तो आंसर की आज शाम तक नहीं तो कल आने के पूरे चांसेज हैं। रिजल्ट और संशोधन आंसर की दोनों एक साथ देने की सरकार की प्लानिंग है। सो गाइस बने रहिए, और डॉक्यूमेंट संबंधी जितनी प्रॉब्लम है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए, उसके लिए इस वीडियो के बाद में जस्ट ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा डॉक्यूमेंट संबंधी, जिससे कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट संबंधी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पूरी प्रोसेस बता देंगे उसमें क्या क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको सब चल पाए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।